गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, अब आप सभी पहली कक्षा में हो और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों, इससे पहले हमने कुछ सीखा था ना? हाँ, तो इससे पहले हमने ओ वर्ण, ओ वर्ण, आ वर्ण, ई और वर्ण बड़े ए की हमने पहचान की थी। और इससे पहले तासिका में हमने ऊ से उल्लू इसकी पहचान की थी और ऊ से कई सारे शब्द तैयार होते हैं ये भी देखा था। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आज हमारी बारी आती है बड़े ऊ की। आज बारी आती है बड़े ऊ की, तो इसको बड़ा ऊ बोलते हैं। तो बच्चों बताओ, ये चित्र पर किसका है? ये चित्र किसका है? हाँ, ये ऊन का चित्र है। ऊन यानी कि मराठी में उसको लोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकर, जिससे मम्मी स्वेटर बनाती है। जब आपको बहुत ठंड लगता है, जाड़ों का मौसम होता है बहुत, और बहुत ठंड लगता है, तब मम्मी आपको स्वेटर पहनाती है। वो स्वेटर जो होता है वह इस ऊन से बनता है, ऊन यानी कि लोकर। और ये जो ऊन होती है वो हमें भेड़ से मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ऊ से, बड़े ऊ से कई सारे शब्द आते हैं। ऊ से ऊन यानी कि लोकर, ऊन यानी कि लोकर। यहाँ पे देखो ये रंग बिरंगी ऊन है। हाँ, उसके बाद ऊ से ऊंट, ऊंट यानी कि कैमल, यानी कि ऊंट, उसको मराठी में ऊंट कहते हैं। हाँ, और उसके बाद आता है ऊद बिलाव। क्या आता है ऊ से? ऊद बिलाव। ऊ से, बड़े ऊ से इतने कई सारे शब्द आते हैं। तो बच्चों, आज हम बड़े ऊ की पहचान कर रहे हैं। अभी आपके पास ये बुक होगा, है सबके पास? वेरी गुड। तो इस किताब में, हमारे किताब का नाम क्या है बड़ो? हिंदी अक्षरमाला भाग अ। हाँ, तो इस किताब में पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23 पे, यानी कि 2222 और 2323 पे आपको आज पढ़ाई करनी है। तो बच्चों देखो, ये 22 नंबर का जो पेज है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऊ, बड़ा ऊ दिया हुआ है। हाँ, और उसके बाजू में कुछ यहाँ पे उनका चित्र है। हाँ, बहुत ही प्यारा है ना? हाँ, और कुछ लाइन्स दी है। तो ये लाइन्स आप मेरे साथ जोर से बोलो, ठीक है? चलो बच्चों, बोलो मेरे साथ। ऊ से ऊन, हम भेड़ से पाते, जाड़ों में हम गर्मी पाते। ऊ से ऊन, हम भेड़ से पाते, जाड़ों में हम गर्मी पाते। जो हमें ठंड लगती है, जब हमें बहुत सारी ठंड लगती है, तो मम्मी हमें स्वेटर पहनाती है, और वो जो स्वेटर बनाया हुआ होता है वो भेड़ से ही है, उससे बनता है। तो स्वेटर पहनने के बाद हमें गर्म सा महसूस होता है, हमें ठंड नहीं लगती। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें ये जो ऊ लिखा हुआ है वो हमें अच्छे से लिखना है, और लिखने के लिए हमें पेंसिल का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? पेंसिल का, और इरेजर का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले, क्योंकि इरेजर से हमारा पेज खराब हो जाएगा। हाँ बच्चों, तो आप सभी अच्छे हो और बहुत होशियार हो। हाँ, और आपको हिंदी सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे मालूम है। तो अब आप अपने हाथ में पेंसिल ले लो और ये पेज नंबर 22 पे ऊ लिखो। ऊ लिखते समय आपको ऊ से बोलना है। ऊ से ऊन, ऊ से ऊद बिला, ऊ से ऊंट, ऐसे आपको बार बार बोलना है, ताकि आपको ऊ की अच्छी तरीके से पहचान हो जाए। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखाती हूँ। ऊ से
गृह कार्य का मतलब है होमवर्क। वेरी गुड, तो ये होमवर्क भी अभी आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे भी आपको ये ऊ लिखना है। क्या लिखना है? ऊ, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊर्मिला, ऊ से ऊंट। इस तरह से आपको ये बोल बोल कर ट्रेस करके अच्छे से लिखना है। तो बच्चों, उसके बाद बारी आती है एक्टिविटी। हाँ, तो ये एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी है। देखो यहाँ पे क्या है, किसका चित्र है यहाँ पे? तो यहाँ पे है उनका चित्र, हाँ, यानी कि लोग। तो उसमें आपको जो आपको पसंद कलर है, यदि आपको पिंक कलर पसंद है, ग्रीन कलर पसंद है, आपको लाल रंग पसंद है, या हरा रंग पसंद है, या पीला रंग पसंद है, जो भी कलर आपको पसंद है वो यहाँ पे आप अच्छे से क्या करोगे, इस मूल को देखोगे। हाँ, और यहाँ पे सिर्फ न लिखा है, देखो यहाँ पे सिर्फ न लिखा है। तो इसके यहाँ पे पहले, न से पहले हम क्या लिखने वाले हैं, कौन सा वर्ण लिखने वाले हैं? बड़ा ऊ। क्या लिखने वाले हैं? बड़ा ऊ। तो लिखो बच्चों यहाँ पे बड़ा ऊ से ऊ, और यहाँ पे है शिरो रेशा दे दो। तो अब हमारा शब्द बन गया ऊन। क्या बन गया? ऊन। तो ऊन का मतलब क्या होता है? वुल, यानी कि लोकर। तो बच्चों, ये जो 22 पेज नंबर है यहाँ पे और ये 23 पेज नंबर है यहाँ पे, आज हमने ऊ की पहचान की है। यदि आप देखोगे यहाँ पे तो ये बड़ा ऊ है। क्या है? बड़ा ऊ। और ये क्या है? ऊन। क्या है? ऊन। तो ये है वर्ण। ऊ यह क्या है? वर्ण। और ये क्या है? ऊन का चित्र है। जो भी कलर आपको पसंद हो, रेड कलर यानी कि लाल कलर, या नीला रंग, या पीला रंग, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करके अच्छे से इसको कलर कर सकते हो। अभी मैं लाल रंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से कलर करना है। ठीक है बच्चों, और बीच में डालेंगे कौन सा कलर? पीला। इसको हम अच्छे से क्या करेंगे, कलर करेंगे, ताकि हमारी ऊन कैसी लगे? रंगीन। कैसी लगे? रंगीन। हाँ, इस तरह से आपको इसको कलर करना है। बच्चों, आपके अभी आपको तो ऊन की पहचान हो गई है ना? हाँ, तो आपके पास ऐसा नोटबुक होगा, है सभी के पास? वेरी गुड। तो इस नोटबुक पे आपको अभी क्या करना है, जिस तरह से हमने ओ आ ई ई लिखा था, उसी प्रकार हमें नया पेज लेकर उस पर क्या लिखना है, बड़ा ओ। यहाँ पे आपको दो बार लिखना है बड़ा ओ, और उसके बाद पीछे आपको क्या करना है, एच डब्ल्यू। तो एच डब्ल्यू का मतलब क्या है? तो बड़ा ऊ भी आपको दो बार लिखना है। यहाँ पे आप ऊ लिखिए दो बार, और नीचे 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 ये दो लाइन्स की जो नोटबुक है उस पर आपको बड़ा ऊ लिखना है, और लिखते समय आपको बोलना भी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने बड़े ऊ की पहचान कर ली है। इसके बाद हमें हमारी बारी आती है, वह है वर्कशीट की। तो वर्कशीट तो हमारी बहुत आसान होती है, आपको सभी को वर्कशीट बहुत पसंद है ना? तो आपको इस तरह से वर्कशीट होगी, आपके पास इस तरह से एक वर्कशीट होगी, है सबके पास? वेरी गुड। तो उसपे हमारे स्कूल का नाम लिखा है। क्या है हमारे?
और आप सभी पहली कक्षा में हो तो यहाँ पे आपको आपका पूरा नाम लिखना है, यानी कि आपका खुद का नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका सरनेम, यानी कि आपका उपनाम लिखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है देखो, पढ़ो मेरे साथ, चित्र देखकर वर्ण लिखिए, चित्र देखकर वर्ण लिखिए। तो आपको ये चित्र देखने हैं, उन्हें पहचानने हैं और उसका पहला वर्ण, उस शब्द का सिर्फ पहला वर्ण ही लिखना है। तो यह है कूद मिलाओ, क्या है कूद मिलाओ, उसके बाद यह है कूद, हाँ, और उसके बाद है ऊंट, ऊंट यानी कि कैमल, हाँ। तो ये ऊंट कूद मिलाओ और ये जो ऊंट है, कूद मिलाओ है और ऊन है, ये पिक्चर देखकर आपको यहाँ पे बड़ा ऊ निकालना है। यहाँ पे टीचर्स ने ऊ लिखा हुआ है, देखो देखो, हाँ मैंने यहाँ पे ऊ लिख कर आपको दिया है, उसकी कॉपी करके आपको यहाँ पे ऊ निकालना है। लेकिन इसके लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करोगे, किसका इस्तेमाल करोगे, पेंसिल का। वेरी गुड, यहाँ तक आपका लेक्चर हो गया, तो फिर आप ये पेज टर्न कीजिए। ये पेज टर्न करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखो क्या है, यहाँ पर भी कुछ पिक्चर दिए हुए हैं। चित्र का पहला अक्षर लिखिए, यहाँ पे भी आपको एक दो तीन चार, चार बार को लिखना है, कितनी बार लिखना है, चार बार। तो ये अच्छे से आप ऊ मिलाओ और ये अच्छे से लिख सकोगे, लिख सकोगे ना बच्चों, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट भी अच्छे से खत्म होती है। तो बच्चों आज हमने हमारे बुक में, जो कि हमारा बुक का नाम क्या है, हिंदी अक्षरमाला भाग अ, इसमें पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23 पर बड़े उ की पहचान की है। हमारा वर्ण कौन सा है, बड़ा उ, इसको बड़ा उ बोलते हैं और ये बड़े उ से कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है। तो बच्चों आपको बड़े उ की पहचान आज हो गई है, तो आप अभी घर पे हो, हाँ, और मैं यहाँ पे हूँ, तो आपको मम्मी के साथ बैठकर इस बड़े उ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और आपका जो होमवर्क है, यानी कि गृह कार्य, हाँ होमवर्क, वो अच्छे से छुड़ाना है आपको, वो अच्छे से लिखना है और पेंसिल से ही लिखना है। इरेजर का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इरेजर से हमारा पेज खराब हो जाता है। हाँ बच्चों, तो आज हमने ऊ की वर्ण